गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी निकेतन में। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है। द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू इज। देखिए यहाँ पर इक्वेशन आपकी गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के रूट्स के स्क्वेयर का एडिशन पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालेंगे ए बी और सी की। तो इस इक्वेशन को हम कंपेयर करते हैं, इस इक्वेशन की एनर्जी लगाते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहाँ पर ए की वैल्यू है प्लस वन, बी की वैल्यू है प्लस वन और सी की वैल्यू है माइनस टू। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम एज्यूम करते हैं इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस बी बाय ए के। तो यहाँ पे बी की वैल्यू है वन और ए की वैल्यू भी वन है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा माइनस वन के। और इस इक्वेशन के रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा सी बाय ए के। यहाँ पर सी की वैल्यू आई है माइनस टू, सी इक्वल टू माइनस टू और ए इक्वल टू वन, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस टू। इसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज। तो यहाँ पर इसके रूट्स के स्क्वेयर्स का सम पूछा गया, मीन्स आपसे वैल्यू पूछी गई है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की, जो कि इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा का स्क्वेयर माइनस टू अल्फा बीटा के। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी वैल्यू आई आपकी माइनस वन, माइनस वन का स्क्वेयर माइनस टू, और इनके रूट्स का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा जो कि इक्वल होगा सी बाय ए के, उसकी वैल्यू आई माइनस टू। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपकी माइनस टू। जैसा कि आप जानते हैं माइनस वन का स्क्वेयर करेंगे तो वहाँ पर आएगा प्लस वन, और माइनस टू इंटू माइनस टू ये आपका हो जाएगा प्लस फोर, तो वन प्लस फोर इक्वल होगा फाइव के। तो अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर की वैल्यू आ गई आपकी प्लस फाइव, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल होगा फाइव के, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो हैज इक्वल रूट्स इज। देखिए इसने क्या कहा, हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या थी, डी इक्वल टू जीरो। डी अगर जीरो होता है उस कंडीशन में आपको दोनों रूट्स इक्वल और रियल और इक्वल मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब मिलते हैं, जब डी इक्वल होता है जीरो के। डी इक्वल टू जीरो होने पे आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। और डी क्या, डी बराबर होगा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी के। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को एनर्जी लगाते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। हमारी इक्वेशन है यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के। यहाँ पर ए की वैल्यू आई प्लस थ्री, बी की वैल्यू आई माइनस फाइव और सी इक्वल आया के। अब हम डी के डी इक्वल टू माइनस फोर ए सी इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो बी स्क्वेयर है आपका माइनस फाइव का स्क्वेयर, ए की वैल्यू है आपकी प्लस थ्री और सी की वैल्यू है के। डी इक्वल होगा जीरो के, तो फाइव का स्क्वेयर हो गया ट्वेंटी फाइव और ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व के इक्वल टू जीरो। तो माइनस फाइव का स्क्वेयर हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, फोर इंटू थ्री इंटू के, तो फोर फोर इंटू थ्री हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व के इक्वल टू जीरो। तो हम ट्वेल्व के माइनस ट्वेल्व को इक्वेशन के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो फिर ट्वेंटी फाइव इक्वल हो जाएगा ट्वेल्व के। तो ट्वेंटी फाइव बाय ट्वेल्व इक्वल हो जाएगा के। तो हमारी के की वैल्यू आ गई 25 बाय 12, जो कि है ऑप्शन नंबर
सी। देखिए जब भी क्वेश्चन में कहा जाता है जब कि आपको इक्वल रूट्स की बात की जाती है तो इक्वल रूट्स कब मिलेंगे, जब डी इक्वल होता है जीरो के। तो हम डी इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी को इक्वेट कर देंगे जीरो के। इसको सॉल्व करेंगे आपकी ऑटोमेटिकली जो भी अननोन वैल्यू होगी वो आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चले चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 7x + 8 = 0। यहाँ पर हमको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 7x + 8 = 0। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन 3x² - 7x + 8 = 0 के रूट्स। इस इक्वेशन को की एनालॉजी लगाएंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जो कि आपकी x² + bx + c = 0 के। तो यहाँ पर a बराबर आ गया +3 के, b बराबर आ गया -7 के और c बराबर आ गया 8 के। तो इस अगर हम अज्यूम करें इस इक्वेशन के रूट्स आपके हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के, बी की वैल्यू है आपकी -7 और ए की वैल्यू है आपकी 3। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 7/3 के। सेकंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा c/a के, सी की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 8 और ए की वैल्यू है आपकी 3। अब देखिए यहाँ पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 7x + 8 = 0 को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के साथ एनर्जी लगाते आप a की वैल्यू निकाली 3, b की निकाली -7, c की वैल्यू निकाली 8। आपने अज्यूम किया इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आया -b/a के, या आपका आगे 7/3 अल्फा इंटू बीटा इक्वल होगा c/a के, या आपका 8/3। अब आपको ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स आपके हैं अल्फा डेस और बीटा डेस। आपको एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स है अल्फा डेस और बीटा डेस, और अल्फा डेस और बीटा डेस कुछ इस तरह हैं। देखिए तो अल्फा डेस आपका इक्वल है 1/α के, और बीटा डेस इक्वल है 1/β के। देखिए अल्फा डेस इंटू बीटा डेस, अल्फा डेस इंटू बीटा डेस इक्वल होगा 1/α - 1/β के, मतलब इक्वल होगा 1/α β के। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल आया था 8/3 के। अल्फा डेस इंटू बीटा डेस इक्वल, अल्फा डेस इंटू बीटा डेस इक्वल है 1/1/α β के। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 8/3, तो अल्फा डेस इंटू बीटा डेस इक्वल हो जाएगा 3/8 के। अल्फा डेस इंटू बीटा डेस इक्वल आ जाएगा 3/8 के। और सेकंड चीज़ क्या थी, 1/α + 1/β की, जिसको आप लिख सकते हैं अल्फा डेस प्लस बीटा डेस अपॉन अल्फा डेस इंटू बीटा डेस के। अब देखिए अल्फा डेस, ठीक है चालू कर दें, अल्फा डेस प्लस बीटा डेस, अल्फा डेस इक्वल है 1/α के और बीटा डेस इक्वल है 1/β के, तो इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा के। अब अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा प्लस बीटा बराबर आया था आपका 7/3 के, अल्फा प्लस बीटा बराबर 7/3 आप पहले निकाल चुके हैं, और अल्फा इंटू बीटा आप निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा के लोग निकाल चुके हैं 8/3 के। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो आपने सॉल्व किया था 3x² - 7x + 8 = 0, तो इसके रूट्स का सम आया था अल्फा प्लस बीटा बराबर आया था 7/3 के, और इसके रूट्स का जो प्रोडक्ट आया था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a आया था 8/3 के। तो यहाँ पर अल्फा डेस प्लस बीटा डेस इक्वल होगा 1/α + 1/β के, मंथ इक्वल होगा अल्फा प्लस बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी आपकी 7/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी 8/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 7/8। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करके अल्फा डेस इंटू बीटा डेस की वैल्यू निकाल ली आपने 3/8, और अल्फा डेस
प्लस बीटा डैश की वैल्यू निकालनी 7/8। अब हम चेक करेंगे कि ये जो दो इनके इसके रूट्स का प्रोडक्ट 3/8 और रूट्स का सम 7/8 किस इक्वेशन में लाई कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका 8x² माइनस 7x, तो यहाँ से आपकी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू आपके आगे 7/8 और अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू हो गई 3/8। हम एक करके ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इन चार ऑप्शंस ए बी सी डी को चेक करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है 8x² माइनस 7x। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए को आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए के लिए सी बाय ए की वैल्यू होगी 3/8 जो कि आपके अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल 3/8 के इक्वल है, मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी को आप देखते हैं 8x² प्लस 7x माइनस 3=0, तो इसके लिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होगी माइनस 3/8 जो कि 3/8 के इक्वल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के लिए के रूट्स का प्रोडक्ट आएगा माइनस 3/8 जबकि आपके रूट्स का प्रोडक्ट आ रहा है 3/8, तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं 8x² माइनस 7x माइनस 3=0। ऑप्शन नंबर सी के प्रोडक्ट्स का रूट निकालेंगे तो वो आएगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश इक्वल आएगा माइनस 3/8 के, जो जबकि आपके अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू है प्लस 3/8 जो कि राइट सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी आपका हो जाएगा गलत। अब ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं 8x² प्लस 7x प्लस 3=0। ऑप्शन नंबर डी के प्रोडक्ट्स का रूट निकालेंगे तो आएगा 3/8 जो कि आपके रियल आपके ऑप्टेंट वैल्यू के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों ही सही हो सकते हैं। अब हम अब इनके प्रोडक्ट्स का सम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के लिए अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू चेक करते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी बाय 8x² माइनस 7x प्लस 3=0। इसके लिए अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की वैल्यू होगी माइनस बी बाय ए माइनस 7/3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका हो जाएगा 7/3 और अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू आपके आगे 7/8। अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं इनके प्रोडक्ट्स का रूट अल्फा डैश इंटू बीटा डैश जो कि इक्वल होगा सी बाय ए के, तो ये आपका हो जाएगा 3/8 जो कि बिल्कुल सही है। इससे हमको पता चलता है कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, 8x² माइनस 7x प्लस 3=0 आपका सही ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।